मैं पासीघाट पहुंच गया हूँ, मतलब पासीघाट अभी पहुंचने वाला हूँ, थोड़ी अभी रुकसिन में हूँ। सुबह बहुत सुबह निकला था, पूरा ठान से मतलब काँप गया हूँ। मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा पासीघाट के लिए, आज से कुछ खास काम के लिए मैं आया था। मुझे किसी भी हाल मुझे 9 बजे पहुँचना है पासीघाट को, तो यहाँ से अभी स्टार्ट होगा। थोड़ा हाथ पक करके दिखा, आग भी लाल हो गया, पूरा ठंड है। चलिए यहाँ पहुँच गया अभी पासीघाट, जिस काम के लिए पहले काम को ख़त्म कर लेते हैं, उसके पहले मेरा दोस्त है उसको मिल लेते हैं, उसका बाद वो जिस काम के लिए मैं आया था, जिस लोकेशन को मेरे को मालूम नहीं है, मेरा दोस्त को मालूम है, उसको आने दो। उसके आने के बाद हम लोग निकलते हैं मेरे काम को, पहले काम को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं पासीघाट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करूँगी। यहाँ तो पासीघाट तो बहुत सारे ऐसा लोकेशन है, बहुत सारे ऐसा खूबसूरत जगह है जो शायद मैं कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो को मेरा साथ बने रहना, जाना नहीं। और भी क्या क्या करने वाला है देखते रहिए। अभी मैं दोस्त का रूम में हूँ, अभी वो फ्रेश हो रहा है, उसका बात उसको रेडी करके हम लोग जाने वाला है। मेरा आज सो स्पेशल डे है मेरे लिए, आई एम सो नर्वस हूँ मैं। आज मेरा क्या होने के बाद बोलूँगी आप लोग को किस काम के लिए आया था, मतलब आई एम सो नर्वस, कैसा होगा पता नहीं। प्लीज़ भगवान से जस्ट प्रे कराऊँगी सही हो जाए बस। तो वो रेडी होने के बाद उसका रूम में हूँ अभी। उसका रूम का जो बिल्डिंग का जो नज़ारा है, मैं थोड़ा सा वीडियो ले रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। अच्छा है, मतलब पासीघाट ऐसे ही अच्छे, कौन कहते हैं पासीघाट खराब है, तो देखते रहेंगे। सर घर से आया था जिस काम के लिए, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ। फिलहाल मैं आप कब से बोल रहा हूँ ना, कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए आया था। एक्चुअली आज मेरा इंटरव्यू है, एक जॉब के लिए मैं इंटरव्यू के लिए आया था पासीघाट। तो अभी मेरा 10:30 से स्टार्ट होगा इंटरव्यू। देखिए मैं बैठ रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन उसको देने का है। तो देखिए थोड़ा इंटरव्यू देने के बाद क्या होता है, उसके बाद बोलते हैं आगे का स्टोरी। पहले अभी फिलहाल अभी इसी के लिए स्टॉप। फाइनली मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, जिस तरह से मुझे इंटरव्यू लिया था, जो मुझे मालूम है वो मैं सब कुछ उगल के आया हूँ। तो पहले नर्वस था, तो फिलहाल अभी कूल हूँ, रिलैक्स हूँ। तो फाइनली गया अच्छी तरह से, मेरी तरह से जितना हो सके मैंने कोशिश किया, ट्राई किया अच्छी तरह से इंटरव्यू देने के लिए। बाकी उनका ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे सिलेक्ट किया करेगा या नहीं करेगा। अगर सिलेक्ट करेगा तो पासीघाट में रहना पड़ेगा मुझे, तो पासीघाट में रहेंगे तो पासीघाट में रोज़ आपको घुमाऊँगी, रोज़ उसका पासीघाट का नज़ारा दिखाऊँगी, क्योंकि पासीघाट बहुत ही खूबसूरत है। तो फिलहाल अभी मैं रूम तो पहुंच गया हूँ, रूम से थोड़ा सा मैं 5 बजे घर से निकला था, कुछ खा लेता है, खाने पीने के बाद तो देखते हैं हम लोग अभी कहाँ जाने वाला है, क्योंकि पासीघाट आया तो देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो दोबारा कब आऊँगी पता नहीं। तो एक गोली में 2 शिकार कर लेता है, तो आया हूँ तो थोड़ा घूम के जाऊँगी, थोड़ा सा पासीघाट भी दिखाऊँगी आप लोग को अच्छी तरह से, कोशिश करूँगी। तो हमेशा तो कोशिश करता हूँ आप लोग को दिल खुश करने के लिए। सो पहले अभी खा के फ्रेश होने के बाद निकलते हैं हम लोग पासीघाट घूमने के लिए। सुबह 5 बजे निकला था ना, तो अभी खाना खा लिया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, पूरा आग भी जल रहा है मेरा, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ मस्ती से, तो उसके बाद हम लोग घूमने के लिए जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग वेट कीजिए, वापस आ रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं है अभी मेरे लिए, गुड नाइट है लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के सुबह हो गया, मेरे लिए अभी नींद पूरा नींद आ रहा है मुझे, सो लेते हैं आराम से। तो अभी नींद से मतलब पूरा क्या बताऊँ, पूरा मस्त होके पूरा मतलब गहरी नींद में था। अभी दोस्त ने उठाया तो कहीं जाना वाला था क्या, जाएगा नहीं, ऐसे पूछा, मतलब ठीक है चलो हम तो निकलने वाला, क्योंकि पासीघाट आया तो थोड़ा सा मेरे फ्रेंड्स को भी दिखाना है, फ्रेंड्स को भी घुमाना है। तो चलिए अभी निकलते हम लोग, कहाँ जाएगा लेकिन बताएगा नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कोई थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। पासीघाट तो ऐसे एक बहुत बहुत बड़ा सा खूबसूरत लोकेशन है, तो देखते हैं आज कहाँ जाते हैं, कल कोई दूसरा दिन है, आज कहाँ घूमने के लिए निकलते हैं, तो देखते रहिए। और मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा दिख रहे वो ऊपर में, वो मेरा बिल्डिंग है, वहीं पर मैं रह रहा हूँ मेरा दोस्त का साथ। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं घूमने के लिए, चलो ओके। तो
हमेशा पसीघाट आता, लेकिन ये जो बैक साइड में जो लिखा है आई लव पसीघाट, मैंने वो आई लव पसीघाट का साथ कभी फोटो क्लिक नहीं किया था, लेकिन पसीघाट हमेशा आता, लेकिन इस जगह पे मैं कभी मतलब आया नहीं। आज मैं उस आई लव पसीघाट के नीचे में खड़ा हूँ, थोड़ा सा फोटो शोटो क्लिक कर लेता, ऊपर से मैं वीडियो भी लिया है आप लोग को दिखाने के लिए, शायद आप लोग देख लेना। तो और मेरे वेबसाइट में तो देख रहे, मैं देखा रहा हूँ आई लव पसीघाट, देखिए ये है आई लव पसीघाट, दिस हार्ट पसीघाट देख रहे हैं, ये आई लव पसीघाट। और पीछे वो ब्रिज का तो आप लोग देख रहे हैं, ऊपर जाके हम लोग ब्रिज के नीचे तक दिखाएगा, लेकिन ये देखिए पहले हम लोग फोटो शोटो क्लिक कर ले रहे, उसका पार्ट ऊपर जाते हैं। तो आई लव पसीघाट की वहाँ पे नीचे जाके मतलब वहाँ पे देख रहे हैं, वो नीचे वो है, अब नीचे देख रहे हैं आई लव पसीघाट जी, वही आई लव पसीघाट। आई लव पसीघाट के नीचे में जाके थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किया, थोड़ा सा डांस किया, थोड़ा सा मज़ा किया। फिलहाल आज ये सिंपल सा होगा पसीघाट का, कल हम लोग कुछ दूसरी हिल एरिया में जाऊँगी माउंटेन करने के लिए। फिलहाल अभी यहाँ पे ऐसे ये ब्रिज में शाम को बहुत ही बढ़िया होता है, शाम को बहुत ही मज़ा होता है देखने के लिए, मतलब जो सनराइज होता है इतना ब्यूटीफुल सनराइज देखिए आप, इतना मतलब व्यू भी बहुत अच्छा है। इसी वजह से यहाँ पे यहाँ तक मतलब क्या होता है, मतलब आज का वीडियो मतलब यही पासीघाट का जो आसपास जितना लोकेशन है अच्छा वाला वो दिखाने के लिए मैं कोशिश हूँ। कल हम लोग और दूसरी जगह पर जाने वाला हूँ, फिलहाल आज यहाँ जितना हो सके मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए, हम भी इंजॉय करें, आप भी इंजॉय कीजिए। मैं देख रहे हैं हम लोग अभी इतना गड्ढे से नीचे जाना पड़ेगा, ऐसे देखो पूरा डाउन वो लोग जा रहे हैं दोनों, देखो पूरा नीचे जाना पड़ेगा अभी हम लोगों को। तो देख लेते पहले नीचे जाते नहीं, मतलब नीचे जाके हम लोग वो रिवर है ना नदी के पास जाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो फिलहाल देखते ट्राई करके, अगर गिर भी सकते हैं रिक्स भी है, तो कोशिश करते हैं अगर नीचे तक जाने का कोई सुविधा मिले तो हम लोग नीचे जाके, मेरा राउंड देख रहे हैं वो पत्थर सब देख रहे हैं ना, वो पत्थर सत्थर लोग वहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ तक जाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है, जाने के लिए पॉसिबल होता है या नहीं, ट्राई करते हैं। नदी के किनारे आ गया, मेरा ब्लॉग में महेंद्र भी है, अगली वीडियो में देखा था पासीघाट लास्ट टाइम आया था हुए था, आज बड़ाक में था वो, अभी ये मेरा साथ है महेंद्र जी। देखो पीछे साइड का व्यू देखो कितना मस्त है, सब लोग यहाँ पार्टी मना रहे हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नीचे नहीं जाएगा, नीचे बहुत डेंजर है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मस्ती मार रहा है, थोड़ा सा इंजॉय कर लिया है, फोटो शोटो क्लिक कर लिया है, पासीघाट तक इतना ही है, थोड़ा सा टाउन को कोशिश करूँगी दिखाने के लिए, सिटी को जितना हो सके। तो बने रहेगा वीडियो का चट, जाना नहीं। तो जाऊँ डायरेक्ट रूम उठ गया, हाँ ये तो है, मैंने तो मार्केट से कितना है, सो अभी फिलहाल रूम पहुंच गए, ज़्यादा नहीं घूमा था, रानाघाट गया था, रानाघाट के बाद मतलब पासीघाट का जो मेन टाउन है ना, थोड़ा सा ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए कोशिश किया, रात है इतना अच्छे से मतलब दिखा नहीं पाया, क्योंकि इतना भी ठीक ही है, स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हो गया, बट थोड़ा डेवलप होने के बाकी है। तो ऐसे ही पासीघाट तो बहुत खूबसूरत है, सबको भी मालूम है, उसका व्यू है, उसका जो पहाड़ का नदी सब भी अच्छा है। ऐसे हम रानाघाट गए, रानाघाट में जाके थोड़ा सा फोटो शोटो खींच लिया, थोड़ा सा ऐसे मस्ती किया। तो आज मेरा जो वीडियो आने वाला था सिंपल सा वीडियो एपिसोड, कल हम लोग ऐसे कुछ दूसरी मतलब इससे ज़्यादा बेटर कोई खूबसूरत जगह से जाने के लिए हम लोग ट्राई करेगा सुबह होने दो। तो आज का दिन ऐसे गया, जो आज का दिन था एटलीस्ट मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इंपॉर्टेंट आपको मालूम है मेरा इंटरव्यू था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था। तो मेरा इंटरव्यू देखने के बाद टाइम भी नहीं है कोई दूसरी जगह पर आपको लेके जाने के लिए, तो इसलिए आसपास ही रानाघाट का आसपास जितना भी है जो जैसे भी है टाउन का थोड़ी भी दिखाने के लिए ट्राई किया। तो आई होप आपको मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगेगा देखकर।
तो कल सुबह क्या होता है देखते हैं, पहले आज के लिए बाय बाय। कल कल दूसरा ब्लॉक आने वाला है, जाना नहीं, कल भी देखना पड़ेगा आप लोग का। लेकिन आज का मैं आप लोग को देने वाला हूँ, एक सिंपल वीडियो है, ज़्यादा शायद मज़ा नहीं लगेगा लेकिन मज़ा लेना पड़ेगा आप लोग को देख के। चलिए, गुड नाइट।